हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में लर्नर्स जो हम हैं इम्पोर्टेंट लैंडमार्क डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यूजीसी नेट लॉ एग्जाम। सो अगर आप यूजीसी नेट लॉ एग्जाम का पैटर्न देखोगे तो उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टाइप काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन की लैंडमार्क डॉक्यूमेंट्स में से। सो आपको ये भी याद रखना होगा कि कौन सी डॉक्यूमेंट पहले आई थी, कौन सी डॉक्यूमेंट बाद में आई थी। सो ये वीडियो उस हिसाब से बनाया गया है। रेस्ट ये वीडियो जो है जुडिशरी के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है एंड अदर स्टेट्स के एंड अदर सब कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आपका सब्जेक्ट है। सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द मैंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। सो सबसे पहला जो केस आया था दैट इज शंकरी प्रसाद का केस, ये था 1951 में। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो जो पावर है अमेंड करने की फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट के पास, दैट इज कि वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट्स नहीं है एंड फंडामेंटल राइट्स को जो है अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट 1967 में जो है गोलकनाथ का केस आया एंड सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अर्लियर पोजिशन को रिवर्स करते हुए ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स को जो है आप अमेंड नहीं कर सकते हो, पार्लियामेंट के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है उसको अमेंड करने की। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती का केस आया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को बट विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दिस दीज आर द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स एंड रिगार्डिंग द मैंडेटरी, एंड यही इसका ऑर्डर है। सबसे पहले शंकरी प्रसाद का केस, उसके बाद गोलकनाथ का, उसके बाद जो है केशवानंद भारती का केस आया था। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जिसके ऊपर हमारा लैंडमार्क केस है भिकाजी नारायण धकरास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। सो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। सो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब क्या है, ये प्रोवाइड करता है वैलिडेशन ऑफ वर्ल्ड लॉज के रिगार्डिंग। सो ये कहता है कि इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि अगर कोई लॉ है जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, ठीक है, इफ देयर इज एनी इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ए लॉ विच वायलेट फंडामेंटल राइट्स, वो नलिटी नहीं है, वो स्टार्टिंग से वॉइड नहीं है, दैट इज नॉट वॉइड एब इनिशियो, बट वो सिर्फ अनएनफोर्सिएबल हो जाएगा क्योंकि वो आपका जो है क्या है दैट इज कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। सो एक्लिप्स इसे हम क्यों कहते हैं, ये कहते हैं कि उसको ओवर शेडो कर लिया जाएगा, वो एक्लिप्स हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स जो है उसको ओवर शेडोड कर लेंगे, इसलिए वो अनएनफोर्सिएबल हो जाएगा एंड रिमेन्स डॉर्मेंट बट दैट इज नॉट डेड। सो दिस इज वॉट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो इसके ऊपर हमारा ये लैंडमार्क केस है दैट इज भिकाजी नारायण धकरास वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी का। सो इसमें जो है कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया था, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को अप्लाई किया गया था इन रिलेशन टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आया था, कोर्ट ने ये कहा विच वॉज वैलिड वेन इट वॉज इनेक्टेड। सो दिस वॉज जो है ये केस इसके ऊपर लैंडमार्क केस है। सब्सिक्वेंटली जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो एक शेडो फॉल कर गई उन लॉज के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले थे, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट थे विद द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द एक्ट इज एक्लिप्स्ड, ठीक है, ये कोर्ट ने जो है इस केस में हेल्ड किया था। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेबिलिटी, जिसके ऊपर हमारा लैंडमार्क जजमेंट है, कौन सी लैंडमार्क जजमेंट है, दैट इज स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज एस एन बलसारा की। तो सेपरेबिलिटी मतलब क्या, सेपरेट करना। अब इसका मतलब क्या होता है डॉक्ट्रिन का, कि अगर कोई ऑफेंडिंग प्रोविजन है जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, इट मींस इफ एन ऑफेंडिंग प्रोविजन अगर आप उसको सेपरेट कर सकते हो किस चीज से जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, देन सिर्फ वो पार्ट जो ऑफेंड कर रहा है उसको आप वॉइड डिक्लेयर करोगे, आप पूरे स्टैट्यूट को नहीं वॉइड डिक्लेयर करोगे। तो जितना पार्ट ऑफेंड कर रहा है सिर्फ आप उसको वॉइड डिक्लेयर करोगे, आप पूरे स्टैट्यूट को नहीं वॉइड डिक्लेयर करोगे। एंड दिस इज द लैंडमार्क केस दैट इज स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफएन बलसारा ऑन दिस डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट इज राइट टू लाइफ के केसेस। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसका आपने जो है ऑर्डर याद में रखना है कि कौन सा केस सबसे पहले आया था। सो सबसे पहला केस आया था आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मारुति सिरपति डूबल का केस। इस केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, द कोर्ट हेल्ड की जो राइट टू लाइफ गारंटी की गई है आर्टिकल 21 में, वो इंक्लूड करती है राइट टू डाई को, ठीक है, राइट टू लाइफ गारंटेड बाय आर्टिकल 21 इंक्लूड्स आल्सो राइट टू डाई। सो
जजेस ने ये फील किया कि जो डिजायर है डाई करने की, दैट इज नॉट अननेचुरल बट वो नियरली एबनॉर्मल एंड अनकॉमन है। सो व्हाट वाज हेल्ड, आपने यही याद रखना है। एक तो आपने याद रखना है, सबसे पहला केस ये आया था जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि राइट टू लाइफ जो आपको आर्टिकल 21 में प्रोवाइड किया गया है वो राइट टू डाई को इंक्लूड करता है। आप इसको राइट टू डाई केसेस भी कह सकते हो, ठीक है, राइट टू लाइफ के ऊपर जो है बेस्ड है। नेक्स्ट इज पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो 1994 में आया था। सो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि पर्सन के पास राइट टू डाई है, ठीक है, एंड उसने जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया आपके आर्टिकल 309 को आईपीसी के, जो ये कहता है कि अगर कोई सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है दैट इज अ पीनल ऑफेंस। तो सेम चीज जो है इस केस में भी हेल्ड की कि वो इंक्लूड करता है, द कोर्ट डिक्लेयर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी अनकॉन्स्टिट्यूशन, जो है क्या डिक्लेयर किया उसने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आपकी ज्ञान कौर की जजमेंट आई, दैट इज 1996 में। इसमें जो है 5 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के ओवरऑल की अपनी पहले वाली जजमेंट को, एंड ये हेल्ड किया कि जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में वो इंक्लूड नहीं करता है राइट टू डाई और राइट टू बी किल्ड, ठीक है। सो दीज आर द थ्री जजमेंट्स। सो आपको ये ऑर्डर याद रखना है कौन सी जजमेंट कौन सी ईयर में आई एंड कौन क्या हेल्ड किया था कोर्ट ने इन जजमेंट्स में। उसके बाद आपका केस आता है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके, दैट इज गिवन इन 10th शेड्यूल एंड दैट इज रिलेटेड टू योर 58th अमेंडमेंट। सो आपको अमेंडमेंट भी याद रखनी है कौन से ईयर में ये अमेंडमेंट आई थी, आपको ये भी याद रखना है क्योंकि आपका नेट का पेपर है तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने को ये चीजें जो है अपनी ध्यान में रखनी है। सो दीज वर सर इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट लर्नर्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन जस्ट कमेंट भी इन द आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।